फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीटा रेसिपी। फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्लावर मैट्री। फ्रेंड, इसे बनाने के लिए हमें जो जो चाहिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पुदीना पाउडर आधा चम्मच, ऑरेंज फ्रूट कलर एक चुटकी लिया है मैंने, ये मैदे का मैंने घोल बना के रखा हुआ है आधा चम्मच, और पानी से व्हाइट सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार, चार से पांच काली मिर्च और लौंग लिया है मैंने, ग्रीन फूड कलर। फ्रेंड, हम दो कलर में बनाएंगे इसलिए ग्रीन और रेड लिया है मैंने। फ्रेंड, पानी एक ग्लास पानी, आधा कप रिफाइंड ऑयल। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। फ्रेंड, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें बीच में थोड़ी सी जगह बना के जो हमने ऑयल लिया है वो हम इसमें डालेंगे फ्रेंड, और ऐसे मिलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, पूरा ऑयल हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके। और फ्रेंड, हमें इसमें नमक डालना है अपने टेस्ट के अनुसार, मैंने आधा छोटा चम्मच लिया है। और जो मैंने पुदीना पाउडर लिया था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड, अभी हम इस मैदे को पानी से सादा ही गूंथेंगे, उसके बाद इसमें कलर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, नहीं तो फ्रेंड्स ये गीला भी हो सकता है। और यदि मैदे का डो अगर ज़्यादा गीला हो गया तो फिर इसकी मठरी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए हमें थोड़ा हार्ड ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे, अब हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हमारा डो तैयार होने वाला है। फ्रेंड, देखिए इस तरह से हमने हमारा ये तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए ढक के रख देंगे, कम से कम 15 मिनट। फ्रेंड्स, मैं इसे ढक के रख देती हूँ। फ्रेंड, ये देखिए ये हमारा डो सेट हो चुका है। इसे कितना सॉफ्ट है ये। अब फ्रेंड्स, अब हम इसके तीन भाग करेंगे क्योंकि हमें इसमें कलर ऐड करने हैं। सबसे पहले हम इसमें रेड कलर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए ये ऑरेंज कलर का डो तैयार हो गया है हमारा। इसके बाद ग्रीन कलर की बारी।
फ्रेंड्स इसमें हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड, फ्रेंड देखिए ग्रीन, रेड और ये सिंपल। फ्रेंड ये इसमें हमने कोई कलर नहीं डाला है। चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी छोटी सी लोई बनाएंगे। एक एक करके पूरी हम बेल लेंगे। देखिए ये हमने लोइयां बना के रख रही हैं रेड और ग्रीन कलर की। सादा वाले को हमने ऐसे ही रहने दिया है क्योंकि ये इसके फ्लावर हम दूसरी तरह से बनाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से हम पूरियों को बेल लेंगे। देखिए फ्रेंड बिल्कुल गोल शेप में बेलना है हमें। ये देखिए इस तरह से हम सभी पूरियों को बेल लेंगे एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स हमने सभी पूरियां बेल ली हैं इस तरह से ग्रीन और रेड कलर वाली, और इसे हमने ऐसे ही रहने दिया है। फ्रेंड्स कलर वाली पूरियों के चलिए हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रेंड्स देखिए इस तरह से एक के ऊपर एक पूरियां रखते जाएंगे फ्रेंड्स। और जो हमने ये मैदे का घोल बना के रखा है ये गम का काम करेगा फ्रेंड्स। इसे लगाते जाएंगे जिससे कि हमारी पूरियां फ्लावर बनाते समय खुलेंगी नहीं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से गम लगाते जाएंगे और पूरियां रख के हल्की हल्की फिंगर से प्रेस करते रहेंगे। देखिए इस तरह से हम इसके बाद धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट करते हुए हल्के से प्रेस करते हुए रोल बनाते चलेंगे फ्रेंड्स इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स अब इसे अपने हाथों से बीच में प्रेस करके दबा दिया है फ्रेंड्स, और यहीं से हम इसे चाकू से कट कर देंगे। फ्रेंड्स इसके बाद हम इसकी लीफ को हल्के हल्के हाथों से इस तरह से खोलेंगे। फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये रोज फ्लावर। आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग दिख रहा है ये। इसी तरह से दूसरे फ्लावर को भी हम बनाएंगे हल्के हल्के अपनी फिंगर्स की हेल्प से की लेफ को नीचे की तरफ झुकाते हुए बनाएंगे। फ्रेंड देखिए इस तरह से। और फ्रेंड हमने जो लौंग रखा हुआ है या फिर काली मिर्च ये आपकी चॉइस है,
कि हमें इसमें क्या लगाना है। सेंटर में मैंने लौंग लिया है और फ्लावर के बीच में इसे सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया है, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ये। फ्रेंड्स अब हम इस तरह से सभी फ्लावर बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये जो व्हाइट वाला हमने छोड़ा था इसकी हम एक चपाती के साइज में बेल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए इसे मैं चपाती के साइज में बेल रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से, ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें। और फ्रेंड्स अब इसके बाद एक छोटा ग्लास लिया है मैंने, इसकी हेल्प से इसे रख रख के हम प्रेस करेंगे और कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है, जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे। इस तरह से एक पूरी को हम रखेंगे। अब दूसरी पूरी को भी इसके ऊपर रखेंगे। फ्रेंड्स देखिए एक पूरी को लेके मैंने फिंगर की सहायता से हल्के हल्के रोल बना लिया है, इसे कट कर लेंगे। और इसे दोनों पूरियों के ऊपर रखकर अपने फिंगर से प्रेस करेंगे और इसमें तीन कट लगाने हैं हमें चाकू की हेल्प से। एक यहाँ पर सेंटर में, आप देखिए फर्स्ट लेयर को उठा के इस तरह से दबा देंगे, फिर उसी तरह से सेकंड को भी, सभी पत्तियों को इस तरह से उठा उठा के बनाते जाएंगे और अपनी फिंगर की हेल्प से प्रेस करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स व्हाइट रोज तैयार है हमारा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा दो डिजाइन हो चुका है, ये हमने दूसरे स्टेप में बनाया है। हल्की हल्की अपने फिंगर्स की हेल्प से इसकी लीफ को नीचे की तरफ झुकाते रहेंगे। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। इस तरह से हम सभी फ्लावर्स को बना लेंगे। एक ग्रीन पूरी मैंने छोड़ रखी है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्लावर के लिए हमें लीव चाहिए।
पहले बॉल तैयार करेंगे, उसके बाद हल्के हाथों से दबाते हुए लीव शेप में बनाएंगे इसे, प्रेस करेंगे। इसे बीच में से अंगूठे से दबा देंगे, आगे से थोड़ा तीखा, इस तरह से चाकू की हेल्प से शेप बनाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर लीव लग रही है, देखिए फ्रेंड्स। अब हम इसे ये जो रेड फ्लावर है इसमें सेट करेंगे। जो हमने मैदे का घोल बना के रखा था उसे यहाँ पर लगाएंगे और नीचे की ओर इसे चिपका देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड, फ्रेंड तैयार है हमारे फ्लावर्स। चलिए अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड अब हम गैस ऑन करेंगे। फ्रेंड इसके ऊपर ये हमने एक पैन रखा है। फ्रेंड फ्लेम थोड़ी फ्रेंड देखिए ये थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे फ्लावर्स फ्राई करने के लिए। एक कप ऑयल डाला है मैंने, देखिए। अब ऑयल गरम होने का हम वेट करते हैं, फ्लेम थोड़ा सा तेज कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें फ्लावर डालेंगे। फ्लेम को थोड़ा कम कर लेंगे और फ्लावर डाल देंगे केयरफुली। तेल में डालते वक्त आप ध्यान रखें कि कहीं आपका हाथ नहीं जल जाए, इसलिए सावधानी से एक एक करके सभी फ्लावर्स हम इसमें डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स इसे मीडियम फ्लेम पे ही होने देंगे और हल्के से चलाते रहेंगे। बीच बीच में हम इन्हें हिलाते रहेंगे। फ्रेंड्स ताकि ये एक दो बार इसे पलट भी देंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए, कच्चे ना रहे। देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारे फ्लावर्स जैसे हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स देखिए तैयार है हमारी रेसिपी फ्लावर। देखिए ये कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। फ्रेंड्स यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलें।